अभिषेक जैन नागपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे सर? मैं ठीक हूँ सर, एकदम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मैं IRFC होल्ड कर रहा हूँ सर, 90,000 शेयर्स है मेरे पास, 100 रुपीज का एवरेज है। तो अभी मेरा सर लॉन्ग टर्म व्यू है, इसमें 5 साल में होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए सर, सजेशन दीजिए प्लीज। ओके मानस जी, बहुत अच्छा प्रॉफिट, 100 रुपये में लिया, 178 चल रहा है, क्वांटिटी ह्यूज, 90,000, 5 साल का नज़रिया है, क्या राय देंगे आप? तो देखिए, बहुत सिंपल सी राय है, 142 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अभी तक बहुत खराब पैटर्न बने नहीं है, तो यहां पर निकलने की राय नहीं रहेगी, केवल आपको 142 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। अगर वो लेवल्स ब्रीच होंगे तब तो आपको निकलना पड़ेगा, और अब स्ट्रेंथ तब देखने को मिलेगी जब ये 200 रुपए के ऊपर निकलेगा। देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छे लगते हैं, मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल 270 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है, लेकिन शायद उसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा, लेकिन स्टॉप लॉस 142 का आपको जरूर लगाना है। मानस जी, चूंकि इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है जी, तो क्या एक बेटर स्ट्रेटजी नहीं होगी कि आधा बेच लें, ये प्रॉफिट थोड़ा लॉक कर लें? तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी ऐसा स्ट्रेटजी बताई है कि या तो 50% आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या तो आप स्टॉप लॉस 142 का नहीं लगा सकते हैं, तो 50% प्रॉफिट बुक करके 50% क्वांटिटी में 142 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए, और अगर 200 रुपए का आंकड़ा क्रॉस होने लगे तो जो 50% आपने बेचा था वो आप फिर से खरीद सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब रैली बनेगी तो शायद आपको 270 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभिषेक आपके लिए बेटर स्ट्रेटजी दोनों रख दी गई जो आपको सही लगे, आधा बेच के 140 के स्टॉप लॉस के साथ बाकी क्वांटिटी बने रहिए, जब ये 200 पार करे तो जो पैसा निकला था उसको फ्री डाल दीजिए अगर आपका मन करे तो। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो फिर प्लेन वनीला स्ट्रेटजी है कि आप 140 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, जो आपको सही लगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।